भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। वाकई में इस बात के लिए लोग समझते बीजेपी सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार है, लेकिन फिर लोगों के मन में ये भी सवाल खड़े होते हैं, इसे ही खा लेंगे क्या नेट को ही? सब कुछ इससे ही गुजारा हो जाएगा था, खाना पीना नेट से गुजारा होता है। ये भगवान क्या जुलुम है। बात तो कर सही है, माना कि सरकार ने सस्ती डाटा जरूर कर दी है, लेकिन लोग डाटा नहीं आटा खाते हैं। वैसे मोदी जी अगर सस्ती डाटा को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो जरूर कुछ बात होगी। ये देखा, जिसके भी पास मोबाइल है करीब करीब 5,000 रुपया बच रहा है। इतनी खुशी मुझे। रुको जरा, इस बात से हम भी बिल्कुल सहमत है कि सस्ती डाटा होने की वजह से लोगों के पैसे जरूर बच रहे हैं, लेकिन फिर इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि महंगे गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्रियों के वजह से लोगों की हालत इतने खराब है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो फिर सरकार की इस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है भाई? ये कौन सा अमृत काल है? जहर काल चल रहा है, अमृत काल नहीं चल रहा। ये क्या बात करते हैं यार? गरीब आदमी को जहर देते हैं मोदी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अच्छा एक बात, काफी ज्यादा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है कि मोदी जी जब कभी किसी विदेशी दौरे से भारत लौटते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको रिसीव करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार जब वो फ्रांस दौरे से लौटे तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। शायद किसी काम की वजह से जेपी नड्डा वहां पे नहीं पहुंचे, बस लोग इसी बात को पकड़ लिए। और अब एक वीडियो को आधार बनाते हुए सोशल मीडिया यूजर द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने तो जेपी नड्डा को साफ तौर पर इग्नोर कर दिए। मैं इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बात दरअसल ऐसा है ना, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए यानी बीजेपी अलायंस की एक बैठक हो रही होती है, बस मोदी जी उसी में पहुंचे हुए थे और उनके स्वागत में जेपी नड्डा सहित अन्य बीजेपी के नेता मौजूद थे। अब जैसे ही मोदी जी गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ते हैं, जेपी नड्डा अपने हाथ में रखे गुलदस्ते को उनको देते हैं और वो उसे स्वीकारते भी हैं, लेकिन बिना कुछ बात किए आगे बढ़ जाते हैं और आगे वाला नेता जी से गुलदस्ता लेकर बात भी करते हैं। बस इसी बात को लेकर लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने तो जेपी नड्डा को इग्नोर कर दिए और लोगों की तरफ से तरह तरह के प्रतिक्रिया आने शुरू हो गए। इसी पे नितिन अग्रवाल नामक यूजर लिखते हैं, जेपी नड्डा को पता है कि कैमरा के सामने सिर्फ मोदी जी एक्शन कर सकते हैं, इसीलिए मूनवॉक करते हुए फ्रेम से बाहर जाते हुए। एक और यूजर लिखते हैं, जेपी नड्डा मोदी जी को एयरपोर्ट पर लेने नहीं गए जब मोदी जी फ्रांस के दौरे से वापस आए थे, मोदी जी की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। वैसे आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।